आपको क्या तकलीफ थी? मेरा नजला अडगोडा दुखे करता है बराम है, एक जाड़ा नजला भी ठीक हो गया, एक जाड़ा में और अडगोडा भी ठीक हो गया। पक्की कब आएगी? एड्डी भी दुखिया कर दी, एड्डी भी दुखिया कर दी। चल सिर नहीं कटना चाहिए किसी का, और ये जमा लाइट मारन कड़े दौड़ी ऊपर ना करिए, ठीक है? ये देख साफ दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है? हाँ ऐसे। तो भाई उर्ष ये और भी खड़े हैं, कई मार शुरू कर दूं, बूढ़ी बट्टारत कर दूं। कहाँ से आप? मेरा जी दिल्ली में जोनती गांव है जी। अच्छा, क्या एक बरा लिए? मेरा तीसरा जाड़ा है जी। अच्छा, क्या तकलीफ थी? तकलीफ मेरे आठ के अंदर तकलीफ थी जी, और फरक बड़े बहुत बहुत ज्यादा फर्क। अच्छा ठीक हो गया? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं है? नहीं कोई तकलीफ नहीं है, ना बीपी की ना। क्या जाड़ा में? पहले में दूसरे में? पहले में ही हो गया था, पहले जाड़े में। हाँ ले भाई, गजब कमाल हो रहा है। पहले जाड़ा में हार्ट की भी तकलीफ थी, तीसरी बार आया पहले जाड़ा में हार्ट की तकलीफ इनकी ठीक होगी बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से थी हार्ट की प्रॉब्लम? हार्ट की मेरे अब चौथा साल चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर के बोला चले गए गल रहा है? अच्छा, डला हुआ मुझको एक। अच्छा डला हुआ था पहले तो फिर भी मुझे तकलीफ होती थी। तो भाई और खड़े हैं उरे, आता ही करता ही है पहली बार आई है? तीसरी बार। तीसरी बार क्या तकलीफ थी? मेरे बेटा चक्कर आया करता ऊपर ना नीचे चढ़े कर दी, मैं ठीक हूँ अभी। ठीक होगी? यानी सूती सूती ऊपर चढ़ जाती नीचे आ जाती, खड़ी हो उठा ही कौन जावा बिना किराया बिना जहाज ले भाई, ताई ऊपर ना चढ़िया करती नीचे उतरिया करती। यार अभी ठीक हूँ मैं। ठीक होगी? पक्की का है ना? देख चलो ठीक है। आप कहाँ से हैं? बाढ़ समझते हो? आपका क्या तकलीफ से है? ईशे का थी तकलीफ है। ठीक है, क्या तकलीफ थी? पथरी थी और इसका और भी तकलीफ थी, मेरा को याद नहीं जी। कि मैं तेरा याद से तू बता दे के बात टक्के ला रखी मुंह के बोलने को दे तो ठीक होगी तो बता जा। खूब ठीक होगी जी, बिल्कुल ठीक होगी जमा। आप कहाँ से जी? शीशवाड़ से जी। आपको क्या तकलीफ है? फेरी लगाई काम को नहीं किमिर की में तो बात है तकलीफ है किमिर की में तो। सारा काम का बाबा आओगे भाई केरो केरो आओगे तो। चलो आइए, आप कहाँ से हैं जी? बुलंदशहर से। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? तीसरी बार आए अभी। क्या तकलीफ है? घर की समस्या और शरीर में भी तकलीफ है। अच्छा, कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, इसलिए तीसरी बार आए आज। चलो चलो बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से हैं? सिसवाड़ से। सिसवाड़ से तारा क्या तकलीफ है? भैया की दिक्कत है, जड़िया बहुत करता है। क्यों होया करता? जड़िया बहुत करता भैया। अच्छा, अब ठीक है जी? अब ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आ जा भाई उर्ष, आ जा और कुछ आए और ने तमें थोड़ी मन जगह दियो भाई, थोड़े आगे ना। आप खा रही हूं? खा रही हूं। आपके क्या तकलीफ है? मैं तो बेटो घर आ गया, 8 साल को घूम रहो। 8 साल का घूम रहा? अच्छा, पहले बात हुई थी आपसे? ठीक है ठीक है। अच्छा भाई उर्ण आ जाओ, थोड़े उर्ण दिखा भाई थोड़ा। हाँ उर्षी आ जा, इन्ना आ जा, इन लिगड़े अपने थोड़ी ही साइड में चले जाएंगे। हाँ हाँ जी जी, सही दिखा है। आप कहाँ से? शीशवाड़ा से। शीशवाड़ा से? शीशवाड़ा जी। शीशवाड़ा नजदीक आ रहे हो तुम तो, समझ लगा जाए करो। हर शनिवार नहीं आवा जी। अच्छा, क्या कोई मनोकामना, कोई बीमारी ठीक हुई? सारी ठीक है, सुख शांति है। अच्छा, आप कहाँ से? शीशवाड़ा। इनके सागे हो गए पत्नी आगे दरिया? अच्छा, सारे आ रहे हो? ठीक है ठीक है। आप भाई हैं इनके? अच्छा, आप पति पत्नी है दोनों? तो सारा परिवार आ रहा है। अच्छा, कि मैं उरान तो नहीं बता देती हूं। आराम होए? आराम होए। की तकलीफ थी? तकलीफों का पथरी थी, अब ठीक होगी। ठीक होगी? हां। और के? और सारी तकलीफ मिट गई। आप? बालसमंद से। बालसमंद से। आपको क्या तकलीफ थी? मेरा नजला अडगोडा दुखे करता है बराम है, एक जाड़ा। नजला भी ठीक हो गया, एक जाड़ा में और अडगोडा भी ठीक हो गया। पक्की कब आएगी? एड्डी भी दुखिया कर दी, एड्डी भी दुखिया कर दी, एड्डी भी दुखिया करती, अडगोडा भी दुखिया करता, पथरी भी थी ना? नजला? नजला, नजला था। कितनी साल था नजला? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल थे। अरे ठीक होगी, कमाल है भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो, जोरदार। जय बाबा की। जी सर, जी सर, आप दूसरी बार आए? हां दूसरी बार आए। अच्छा, चलो फर्क है कुछ? हां बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इधर आ जाइए थोड़ा। हां जी, आप कहां से जी? बंडाईडी। बंडाईडी से आपसे बात हुई थी पहले? चलो, आप है? लाडवी। पहली बार आए हो? हां। आप भी पहली बार आए हो? लोबी से। पहली बार? पहली बार, पहली बार। सारे पहली बार आए हो? नहीं। आप क्या एक बार आ लिए? हां 3 महीने हो गए। कहाँ से आ रहे हैं आप? चूड़ी बागड़ियान से। चूड़ी बागड़ियान से। क्या तकलीफ थी आपको? मैं तो नौकरी के लिए आई हूँ, जिसका रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दिया हुआ है। एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है। अब आने वाला है आजकल में। आ जाएगा तो आपके पक्ष में आएगा। आप कहाँ से हैं जी? हाँ जी। अच्छा, अच्छा क्या है गले में? अच्छा ये देखिए भाई, गले में नजदीक से दिखाइए थोड़ा। हाँ बहुत बड़ी गांठ है और शायद डॉक्टर ने गलत बता रखा होगा, है बीमारी बड़ी बता रखी है। पहली बार आए हो? दूसरी बार? कुछ दर्द दर्द में फर्क लगा? अच्छा
तो देखिए बहुत बड़ी बात है भाई, ये डॉक्टर ने बता रखी के बताओ इस बीमारी का नाम लेने भी डर लग गया है आज के दिन। तो इतनी गंभीर बीमारी, गांठ देख लो कितनी बड़ी है, पस की भरी पड़ी है। और नुके भाई दर्द आराम से दूसरी बार आए हैं, भगवान करेगा जल्दी आपकी ठीक होगी बीमारी। आप जी? बेटा गुरेरा हूँ। आप पहली बार आए हो? दूसरी बार। क्या बीमारी है? बीमारी बेटा पगी है। अच्छा, क्यों फर्क है? फर्क है। तो पैर तो गड़ रहा है तेरा समय? गड़ रहा कोनी। अच्छा, गड़ा तो फिर वार ठीक है, क्यों फर्क है? आप कहाँ से जी? सब कही है आप? गुड़साल से। गुड़साल से पहली बार आए हो? ना जी, दो तीन बार ही आ गए। दो तीन बार क्यों? सुख शांति के लिए आए, वो हमारे घर में है। होगी? हाँ बिल्कुल। पहली बार आना तो होगी? ठीक है ना जी, दो तीन बार आना हो गया। होगी? बिल्कुल बिल्कुल। मानते हो शनिदेव ने करी सुख शांति? बिल्कुल मानते हैं जी। अच्छा, आप सर? शाहपुर से हैं। शाहपुर से पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार आए जी। पोती के मतलब जो तकलीफ है, शुगर की है, 3.5 साल की पोती है। अच्छा, 3.5 साल की बच्ची का शुगर है। देखिए भाई, यहाँ के आदमी प्रस्त हो जाता है, हार जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को शुगर है। देखिए, और फिर डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता है, तो तब इन भगवान याद करते हैं हम, और उस भगवान के घर में आते ही सभी कुछ ठीक हो जाता है। कुछ फर्क है? अभी पहली बार आए। अच्छा, तो आओ भाई, और भी थोड़े हटियो भाई, थोड़े मरियो हमने साइड दियो। हाँ भाई, और किसी का? और कौन कौन आए हैं? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार? दूसरी बार आए हो? शनिवार, पिछले शनिवार आए थे। तो क्यों फर्क पड़े था? क्या तकलीफ है? आप इनके साथ ही है? मैं तो आई हूँ यूपी से, यूपी से, कानपुर से। आप भी कानपुर से? आप भी रोहतक से? आप कानपुर से पहली बार आए हैं? नहीं, आप चौथी बार। क्या तकलीफ है? क्यों है जी? पथरी है। हाँ। कि दर्द वगैरह में फर्क पड़ा? हाँ, वैसे दर्द तो इतनी नहीं होती है। अब नहीं होता? हाँ। आपको जी कहाँ से? रोहतक से जी। रोहतक से? हाँ, तीसरी बार आई। तीसरी बार। क्या तकलीफ है? पास पाए दर्द रहा है। किम फर्क पड़ा? हाँ। कितना? थोड़ा। अच्छा, आप जी? पहली बार आए पानीपत से। अच्छा, आप भी पहली बार आए हो? ना। तो मैं ठीक हूँ। के तकलीफ थी ताई? मेरी आँखों में पानी पड़े और गुब्बे लग गए। पानी पड़ा करता और गुब्बे लग गए करते? इब कौन लग गए? कितने एक बरा ली? मैं एक महीना हो गया। अच्छा, कमर में भी दर्द था क्या? खोया मैं भी, वो भी ठीक हो गया? ठीक ले भाई, ताई घोड़ा भर की होगी जमा? घोड़ा भर की होनी। कैसे हड़े में ठीक होगी जी ताई? मैं देख ले, पूनम ना लग गया, आज पूनम ही है। एक महीने में तुम्हारा रेडी होगी? रेडी होगी। क्या बात है, कौन सा काम है? बगड़ा। बगड़ा? के नाम से? सुमित्रा। है सुमित्रा? सुमित्रा, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से? सार से। पहली बार आए हैं? चलो। हाँ जी। आप जी? अधमपुर से जी। वैसे शीश वाल के यहाँ रहते हैं अधमपुर। अच्छा अच्छा, क्या तकलीफ आप? मेरे शुगर ही और कमर में दर्द, दो फायदो है। साथ में मैं मेरे पोता के लिए पढ़ाई में कुछ कमजोर हो भी वास्ते फेरी लगाऊँ। अच्छा, शुगर वो ठीक होगी? हाँ ठीक, बिल्कुल रेडी होगी। नॉर्मल है शुगर। अच्छा। कमर में भी फर्क है अभी। अच्छा। पोता को पेपर हो इज्जत पता चाहिए। अच्छा अच्छा, आप जी? आप पहली बार? पहली बार आए हो? हाँ जी, पहली बार आए हो। पहली बार? चलो, पहली बार आए भाई, आ जाओ। ये बात जीमण वार लग रही, किसी ने जीमना हो तो आ जाओ, और पत्तल करवानी हो तो बता दियो। पत्तल को नहीं हो गए? पत्तल खतरा लवाई ना टह भाई, पत्तल होगा को नहीं आ रहा कि जीम जाओ। और भाई भंडारा चलता है 24 घंटे यहाँ पर, हर शनिवार और पूर्णिमा को तो बड़ा भंडारा होता है। वैसे भी यहाँ पर रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, कोई कहीं से भी आए कितने दिन रुके उसको कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर। और सारी व्यवस्था शनि शक्ति धाम कर रहा है भाई, बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ पर है इनकी। और अच्छा, क्या तकलीफ थी? मैं तो पहले तो घर पर आई, घर पर सही है। अच्छा, फिर 4 साल बाई गए, बाई हुई है। अड़ो 4 साल तक बच्चे को नहीं हुए थे बाई गए, और उराते हो गए दामा अर्जी लगाई। अच्छा, और ठीक ठाक सुख शांति है सारी? एक छोरा खतरा हूँ, रिश्ते करवाओ। अच्छा, रिश्ता करवाओ? अच्छा, छोरा रिश्ते तो कोनी हो, छोरी अंदर की टीम उठा देते हैं रिश्ते कर दो। आप कर सो? बगड़ा हूँ। आप कहे एक बरा लिए? मैं तो 10 साल हूँ, वहाँ मिंदर बनिया जद गई वहाँ। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप भाई 10 साल हूँ मैं वहाँ मिंदर बनी, 10.5 साल तो लग गई रही हो, तो ठाठ हो रहे होंगे तेरा तो सारे आगे। चलो बहुत बढ़िया, जी तो बात कराऊं तो। और ये देखिए झाड़ा हर शनिवार और मंगलवार लगाया जाए, और कोई बीमारी हो भाई चाहे पहला झाड़ा में कटाया, ऐसे सारी दुनिया कहने लग रही है, भगत कहने लग रहे हैं। और अभी बात करांगे एक बार भगत जी, तो 2 मिनट इतना टाइम को नहीं कि जनता की लाइन बहुत लंबी लग रही है,
और सवेर तो दुनिया बहुत आने लग रही है, बहुत आ हो गया। पूर्णिमा हाइट साइड आ जा भाई, थोड़ा सा दिखा। तो जी मैंने सुना है अरे कि एक झाड़े में सारी बीमारी, कैंसर तक की बीमारी कटे, क्या ये संभव है? देखिए इस बारे में तो लोग ही जानते हैं। देखिए हमारा काम तो जो करना है वो हम करते हैं, भगवान का नाम लेके, शनि महाराज का, बजरंगबली का नाम लेके झाड़ा लगाना हमारा कार्य है। देखिए एक झाड़े में ठीक हो, दो में ठीक हो, तीन में ठीक हो, अर्जी में ठीक हो, देखिए वो प्रभु की इच्छा है कब ठीक होता है। देखिए बीमारियाँ सारी ठीक होती हैं पर। हाँ जी, लोग आते हैं वही बताते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी। देखिए लोग ही बताते हैं। देखिए हमारा कार्य है जो हम प्रभु की नाम लेके करते हैं सेवा, बस सेवा करने का काम है। देखिए वो करते हैं। तो शनिवार को शनि शक्ति की लगती है झाड़ा और मंगलवार को बालाजी का? देखिए दो दिन झाड़ा लगाया जाता है, शनिवार को और मंगलवार को। शनिवार को सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक, मंगलवार को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लगता है। किसी को कुछ गर्भित के बारे में पूछना हो, बुज्जा जिसको कहते हैं हम देसी भाषा में, वो बुज्जा वो मंगलवार को करी जाती है सुबह 10 से 4 बजे तक। जी मंगलवार को झाड़ा भी लगता है, बुज्जा भी करी जाती है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और देखिए महान तपस्वी लगातार 20 साल से मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये मेरे पास खड़े हैं भाई जिनका पोता यो रहा उरा आज। अच्छा पोता लग रहा है? लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पोता लग गया इनका उरा। अर्जी लगाते हैं एक महीने का भीतर भीतर अर्जी लगाते, पोता लग गया। सवामणि के लड्डू लेके आए, सवामणि लेके आए पूरे, सारे लड्डू खुआओगे। राम राम जी। राम राम। कौन सा गांव है आपका? लाली है जी गांव मेरा। लाली। हाँ जी। अच्छा नाम क्या है जी? धर्मपाल है। धर्मपाल जी, तो आपका पोता के फील्ड ऑफिसर लगे? फील्ड ऑफिसर लगे। फील्ड ऑफिसर लगे है भाई। तो कितने दिन हो गए अर्जी लगाई? मुझे जी 2 महीने हो गए, पहले आया था मैं। अच्छा 2 महीने हो गए करीब। हाँ, हाँ। अब मेरी पुकार हुई है। अच्छा जी। और मैं आस्था करता हूँ कि मेरे एक और एक और है उम्मीद है वो हो जाए तो अच्छा है। हाँ। और मैं उसी टाइम भंडारा भरूंगा। अच्छा अब ये सवामणि लगाएगा खुशी में, अब बच्चा लग गया उसकी खुशी में सवामणि लगाई है आपने? हाँ जी। अरे इवेकर जी और लगा दी? हाँ जी। दूसरा बच्चे की? हाँ जी। वो लग गया तो? लग गया तो भंडारा भरूंगा। भंडारा लग गया तो? हाँ जी। चढ़ाई करें भाई, बाबा ने भी रिश्वत दे नुगा, लाग गया तो करूंगा। पहली नहीं ये ना भी ये नहीं सोचना चाहिए मन में कि बाबा मेरे काम हो गया तो मैं योग करूंगा। के बेरा इससे बड़ा काम करते हो आप है? के बेरा 51 फुट की मूर्ति बन ला रही बालाजी शनि महाराज की? के बेरा सारी बनवा दो आप, भगवान कर आपका लड़का ऐसा लग जाए। देखो जी हाँ, तो ये तो मन में आस्था होती है। हाँ जी बिल्कुल जी, धन्यवाद शुक्रिया। तो देख भाई झाड़ा जिसने लगवाना हो कोई भी बीमारी का, शनिवार न मंगलवार ना आसका है। शीशवाड़ गांव है, शीशवाड़ काबरेल से आदमपुर रोड पे चलते ही आधा किलोमीटर चलते ही शीशवाड़ धाम है, शनि शक्ति धाम है। इसार से बगड़ा वाली रोड बस में बैठो, बगड़ा भादरा वाली में 12 नंबर बूथ पे लगती है, और काबरेल उतरो, काबरेल से सीधा शीशवाड़ बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर शनि शक्ति धाम है। जय हिंद, नमस्कार।